देखो गाइस, स्लीपिंग ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो ये है कि हम लोग जा रहे हैं अब सुबह सुबह किधर, स्टेशन, रेलवे स्टेशन बाबा को छोड़ने। बाबा बर्मिंघम जाएंगे। मेरा बहुत दिल करता है हमारा कार्ड आए और हम लोग बस में बैठे, लेकिन आ रही नहीं है कार्ड, इतने दिन हो गए। हाँ, हमारे पास, हमारे यहाँ थोड़ी सी दूरी पड़ी रेलवे स्टेशन। जी जी, ये है कि मैं ज़्यादा चलती नहीं और मैं थक जाती हूँ, और अभी मैं थकी हुई हूँ। हाँ, अब शायद थोड़ा सा रह गया सफर, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन। वो देखे, ये है रेलवे स्टेशन। आउच, ये हम लोग जाने वाले हैं अंदर। अब हम लोग आ गए हैं अंदर और एक ट्रेन तो पहले से जा चुकी है। सो दिखाते हैं आपको रेलवे स्टेशन में पूरा था। सो गाइस, ये पूरा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से अभी एक ट्रेन जाएगी। ये सीट है, ये देखें ऊपर तक सीढ़ियाँ है। वो देखें, मेरे बाबा आप जा रहे हैं, वो जो दरमियान में खड़े हुए हैं। बाय। हम लोग आ गए थे बाबा को छोड़कर, अब मामा की बारी है मुझे छोड़ने की, क्योंकि मैं जाऊंगी स्कूल। शाम तक मामा अकेली रहेंगी, फिर मैं आ जाऊंगी स्कूल से। ओके, हम लोग आ गए हैं अब घर बाबा को छोड़कर। अब बस ये मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और अब आधा यूनिफॉर्म मैंने पहना हुआ है, अभी पहनूंगी स्कर्ट और स्कर्ट पहनूंगी और क्या कहते हैं स्वेटर पहनूंगी एक स्कर्ट के ऊपर। हाँ, मैंने नाश्ता कर लिया था, मम्मा ने लंच पहले से ही बना लिया था। अभी आई हूँ बाबा को छोड़कर। स्कूल जाने में तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। 8:45 पर जाएंगे हम लोग स्कूल। सो मैंने सोचा क्या अभी देख लूँ ना टैब आया है, उसकी खुशी में टैब देख लेती हूँ। ऐसे ये मेरा रोज का काम है कि जल्दी छुट्टी हो, अगर मतलब जल्दी हम लोग उठ जाए ना तो टैब देख लो थोड़ा सा। ये मैं स्कूल के लिए रेडी होने वाली हूँ। ये बस मैंने स्वेटर पहना है, फिर मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाऊंगी। फिर मम्मा मैं आप सारा बैग सेट करेंगी। जब तक मम्मा बैग सेट करेंगी तब तब तक मैं कार्टून देख लूंगी। और आपने खुद करना बेटा, मम्मा ने बिल्कुल भी नहीं सेट करना, आपने खुद अपनी चीजें डालनी है, आपको इंडिपेंडेंट होना होगा। चलें, ये अपना कोट भी पहने ना, भाई सर्दी है। ये है बार्बी वाला लंच बॉक्स का बैग, आए अंदर से होता है। चलो अब इसके अंदर पैक करो लंच। और स्कूल बैग किधर आपका? स्कूल बैग किधर आपका? स्कूल बैग मैं करूँ। क्या देखे, ये है मेरा लंच बॉक्स, ये आपको मैंने खा ही दिया था। ये है मेरा पी का बैग और ये हमारा स्कूल का असली बैग। ये भी पानी हम लोग डाल रहे हैं मेरी बोतल में। बोतल भी ऐसे लाए हैं कि जिसका कवर है। मैं मम्मा एक बात करूं, जब भी मैं बोतल से पानी पीती हूँ ना, मेरे ड्रेस के ऊपर पानी गिर जाता है। मम्मा, अच्छे से सारे कोने ना टक होने चाहिए उसके अंदर। गुड। सो गाइस, पहले कैमरा हिल रहा था,
अब कैमरा मैंने हिलने नहीं दिया, अब मैं एक जगह पर खड़ी हुई हूँ और कैमरे को मैंने दोनों हाथों से पकड़ा। अब हम लोग जा रहे हैं मेरे स्कूल की तरफ। ये देखिए, ये है पार्क। ये पार्क है जिसे मैं झूले लेती हूँ। अब हम लोग आ गए, थोड़ी दूरी पर ही हमारा स्कूल आ जाएगा। चलो तो हमें ना पता, वो रोड से जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ना चल रहा है काम। ये हमारा स्कूल का गेट है जिसमें बच्चे भी पढ़ते हैं, पेरेंट्स बच्चों को लेने आते हैं। ओके किरत, ये पकड़। बाय गाइस, मैं आ गई हूँ स्कूल से वापस। अब हो गई है शाम और मम्मा को पकड़ा दिया मैंने सारा सामान। अब वैसे भी घर में बाबा नहीं है, बाबा की भी तैयारी करेंगे खाने पीने की, बाबा के। और मम्मा रोज़े की तो तैयारी करेंगी करेंगे, है ना? ये तो है। नो नो, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। मम्मा क्या हम लोग पार्क जा सकते हैं? No, only थोड़ी देर के लिए, प्लीज प्लीज ओनली थोड़ी देर। ये हमारा ना पता हूँ स्कूल बहुत ना हो गया ना बोरिंग, क्योंकि पुराना हो गया ना। और आज हिस्ट्री पढ़ाई, मुझे हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद। यार मतलब लेकिन मामा मुझे हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैम हिस्ट्री बता सुना रही है। विदाउट हिस्ट्री हमें कैसे पता चलेगा क्या हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, क्या करते थे? यार लेकिन थ्री क्लास के बच्चे को कौन पढ़ाता है हिस्ट्री? फाइव क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। मम्मा से कहूं कि मम्मा प्लीज मुझे पार्क ले जाए। अरे मम्मा कोई बात नहीं ना। अच्छा मम्मा आप ये पकड़े कैमरा। बड़ा वाला झूला ले रहे हैं, यह सब मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मजा आता है ज्यादा। इसको ना मैं लेट के भी ले सकती हूँ। देखो गाइस स्लीपिंग ब्यूटी